हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रियंका क्रिएशन ऑफिशियल में। आज हम ये लड्डू गोपाल का बिस्तर बनाएंगे। इसे हम बास्केट में भी बिछा सकते हैं और इनके बेड पर भी बिछा सकते हैं। ये बहुत आसान तरीके से बनाई गई है। अगर आपको जानना है कैसे बनी तो मेरी वीडियो को अंत तक देखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पर हम लड्डू गोपाल को आराम से सुला सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी लेंथ चेक कर लेंगे। 9 लेंथ आ रही है इसकी और इसकी ब्रेथ भी 9 है। अब हमने ये कपड़े ले लिए हैं कॉटन के और इस पर ये गोटा लगा लिया है। इसकी दोनों तरफ से हमने लेंथ 10 10 रखी है। अब हम इसके कपड़े के इक्वल इक्वल पीस कर लेंगे। ये हमने दो पीस कर लिए। अब इनके दोनों के दो दो पीस कर देंगे तो ये हमारे 4 पीस हो जाएंगे। इस तरीके से हम दूसरे कपड़े की भी 4 पीस कर लेंगे। ये इसकी लंबाई चौड़ाई हमारी 5 आ रही है। अब हम इसे इस तरह से सिल लेंगे। हम इसे चारों तरफ से सिल लेंगे और थोड़ा सा गैप रहने देंगे ताकि हम इसमें क्वार्टर फिल कर सकें। इस तरीके से हमने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। अब हम दूसरा भी सिल लेंगे इस तरीके से। हम इसे सीधा कर लेंगे। और इसमें रुई को इस तरीके से भर लेंगे। इसमें इसे हम पूरा फिल कर देंगे कॉटन डाल डाल कर इसमें, और अच्छे तरीके से कॉटन फिल कर लेंगे इसमें हम। अब इसे सिल देंगे हम इस तरीके से। इस तरीके से हम चारों तैयार कर लेंगे। इस तरह से चारों पीस तैयार हो गए हमारे। ये हमारे चारों पीस तैयार हैं। अब हम इन्हें सिलेंगे। हम इन्हें सिलाई से और हाथों से दोनों तरह से सिल सकते हैं। इस तरीके से सिल लेंगे, एक के ऊपर एक रखकर। अब हम दूसरा पीस इस तरह से सिलेंगे। और इसे भी यहाँ इस तरह सिल देंगे। इस तरीके से हम इसे हाथ से भी सिल सकते हैं। इस तरह से हम सुविधा लेकर इस तरीके से सिल लेंगे। इस तरीके से हम पूरा सिल लेंगे इसे, और हम यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे। अब हम ये लेस कोने कोने पर सिलते जाएंगे। इसे हम हाथों से या सिलाई मशीन से दोनों तरह से सिल सकते हैं। तरीके से हम ये सारी सिलते जाएंगे।
अगर आप चाहें तो इसमें बीच में भी लेस लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बीच में लेस नहीं लगाई है। ये हमने सिल लिया इस तरीके से। ये हमारा बिस्तर बनकर रेडी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।